स्वामी जो सन्यास दीक्षा में सन्यास में जो एक एनर्जी दी जाती है आजकल मतलब बहुत सारी वीडियोस ऐसी पॉपुलर हो रही हैं कि सन्यास दीक्षा देते समय लोग गिर जाते हैं चीखते हैं चिल्लाते हैं तो मतलब ये सन्यास में जो एनर्जी का एक है सिस्टम कि भाई उसमें एक एनर्जी दी जाती है तो क्या है ऊर्जा जो वर्ड है ये एक बड़ा लूज वर्ड है और सिर्फ ऊर्जा कह देने से कोई भी बात स्पष्ट होती नहीं है ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका हम बर्ताव करते हैं रूटीन में लेकिन जिनको बोलते भी रहते हैं और उससे लगता है कि हम समझते भी हैं उस बात को लेकिन उस बात को लगातार उस वर्ड को लगातार यूज करने से ये मतलब नहीं है कि हम उस हम उसके राज को समझ गए ऊर्जा उनमें एक है जीवन उनमें एक है प्रेम उनमें एक है ध्यान भी उनमें एक है ईश्वर भगवान प्रभु आनंद ये सब उनमें से उन वर्ड्स हैं जिनके पीछे की कहानी बहुत कुछ होती है खाली वर्ड्स बोलने से हमें वो समझ में आ गए ऐसा होता नहीं है मगर हमें ये आभास ज़रूर हो जाता है कि हम इसको जानते हैं समझते हैं और ध्यान की ओशो की कम्युनिटी में ध्यान के संबंधित ऊर्जा लफ्ज़ का बहुत उपयोग हुआ है जैसे कि बुद्धत्व लफ्ज़ का बहुत उपयोग हुआ है और इसने बड़े उल्टे सीधे रंग रूप भी ले लिए हैं और आज की उसमें तो ले ही लिए हैं जब ओशो ने अपने संन्यास दीक्षा को शुरू किया था तो उस समय वो ऊर्जा का एक दर्शन एक अलग से रखते थे ऊर्जा दर्शन जिसमें वो शिष्यों को छूते थे और विभिन्न तलों पर उनके भीतर बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते थे ऐसा बताया गया था ऊर्जा के तल पर ये बहुत ये एक बड़ा मिस्टीरियस फिनोमिना है जो गुरु और शिष्य के बीच में घटता है और ये फिनोमिना पास्ट में बहुत बार रिपोर्टेड है विवेकानंद और रामकृष्ण जी के बीच में रिपोर्टेड है अनेक लोगों के बीच में रिपोर्टेड है कि गुरु ने छू कर कुछ कह कुछ टच करके कुछ चीज़ों को जगाया या कुछ चीज़ों को सक्रिय किया शिष्य के भीतर तो ओशो के समय में ऐसा उतारा है उन्होंने किया भी है इसकी वीडियो मौजूद है मगर इसका बड़ा जो हिस्सा है वो गुरु की से संचालित होता है और थोड़ा बहुत शिष्य की ओपननेस उसकी श्रद्धा उसकी मौजूदगी पर निर्भर करता है ये एक रहस्य है जो दोनों के बीच में बहता है अब आज के समय में हमारी कम्युनिटी में ऊर्जा दर्शन सन्यास का एक जो प्रचलन हो गया है और उसको एक उसको इस तरह से जो प्रचारित करने का जो एक ढंग चल गया है उसमें ये बात हल्की और धुंधली पड़ती गई है इसकी मूल भावना तो वैसी रही नहीं है अब ये पॉपुलर कर दिया गया है कि भाई आ, पॉपुलर होता चला जा रहा है बहुत सारे संचालकों के साथ ये जुड़ गया है कि ऊर्जा दर्शन देना है और लोग भी चूँकि नए होते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है वो इस लफ्ज़ को सुने होते हैं सुने होते हैं कि वो शो छू दिया करते थे तो उनको लगता है कि माथे पे छू देंगे कहीं शरीर पे छू देंगे कोई संचालक तो उससे कुछ उनको कोई आध्यात्मिक गति मिल जाएगी कुछ ऐसा होता नहीं है जो भी फिनोमिना गुरु के शिष्य को छूने से किसी विशेष स्थान पर होता है वो क्षणिक होता है परमानेंट नहीं होता है परमानेंसी अपनी तरफ से पैदा करनी होती है ये कोई किसी को दे नहीं सकता आध्यात्मिक ग्रोथ कोई किसी को दे ही नहीं सकता कोई भी वो ओशो भी हूं उन्होंने सैकड़ों जगह इसको बोला है कि मैं तुम्हें तो कुछ दे नहीं सकता हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ जगा सकते हैं वो थोड़ी देर के लिए किसी भावना का संचार उस समय हो जाता है जब गुरु शिष्य को छूता है कोई भावना वो आगे के लिए पथ का पाथे तो बनती है वो भावना लेकिन उस भावना को सदा जीवित रखना वो शिष्य का श्रम होता है उसका धर्म होता है लेकिन खाली सोचा जाए कि माथे पे छू दिया और इसी से सब हो जाएगा या अध्यात्म हमारा आध्यात्मिक हम परिपक्व हो जाएंगे ऐसा नहीं है ये जो आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं जो ओशो ओशो से माथे पे कई कई बार दर्शन ऊर्जा ले चुके हैं क्या कर रहे हैं वो आजकल कोर्ट कचहरी हो रही है उनके साथ वो शराब पी के कई जंग कई नालियों में गिरे हुए पाए जाते हैं ये लोग ओशो से ऊर्जा दर्शन लिए हुए हैं और वो किस तरह के उल्टे सीधे धंधों में लिप्त हैं फिर क्या हुआ उस ओशो ने जो उनको छुआ उनको ऊर्जा दी उसका क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा को निरंतर अपने श्रम से शुद्ध नहीं किया उस भावना को बचा के नहीं रखा संजो के नहीं रखा तो वो खत्म हो गया अभी भी यही होता है कि वो उसको ऊर्जा दी जा रही है और लोग गिर रहे हैं और जब तक वो गिरेंगे नहीं साहब मतलब कुछ बात ही नहीं बनी और वो उसमें और भी जुड़ता चला जा रहा है रोने धोने का ऐसा लंबा चौड़ा प्रचलन हो गया है कि जो बेचारा दीक्षा लेने आया होता है वो तो चुपचाप ही बैठा होता है जो लोग उसको सहयोग कर रहे होते हैं दीक्षा में उस माहौल को बना रहे होते हैं वही ज़्यादा चीख चिल्ला रहे होते हैं कि जान उनको कौन से किस लोक में वो चले गए हैं कौन सी ऊर्जा ने उनको आच्छादित कर लिया है कि बस वही हो गए हैं ये सब दिखावे का एक वो है ये देखना दिखाना है इसमें आप उन व्यक्तियों के जीवन को देखिए कि वो कैसे उठते बैठते हैं क्या खाते पीते हैं किन लोगों में उनका उनका होना है बाकी चीज़ों में क्या कर रहे हैं ये सब तो एक बहाने होते हैं कुछ चीज़ों को जगाने के बहाना सिर्फ बहाना है वो सत्य नहीं है रियलिटी नहीं है और लंबे समय में ये लोग भी पाएंगे जैसे कि अन्य लोग पा रहे हैं जो उर्षों के समीप बैठे रोज उनके चरण दबाते थे ऊर्जा दर्शन में बैठा करते थे बहुत बार ओशो ने उनको प्रेम से छुआ भी है लेकिन वो 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 कहाँ खो गए उनकी वो ऊर्जा कहाँ खो गई खो ही जाती हैं ये प्रकृतिक फिनोमिना ये प्रकृति है विधि का विधान है इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है अध्यात्म को स्वयं के भीतर जगाना होता है स्वयं से समझना होता है और जीना होता है और ये कोई मंजिल नहीं है यात्रा है निरंतर चलना होता है और रोज उठते गिरते उठते गिरते चलना होता है अगर इसका आनंद लेना नहीं सीखे और इस राज को स्वीकार करना नहीं सीखे तो अध्यात्म की चिड़िया सदा ही दूसरे पेड़ों पर पे बैठती रहेगी कभी हमारे दरख्त पे आके बैठेगी ही नहीं अगर स्वीकार नहीं करा और ये समझा नहीं कि ये उठा पटक ही है जीवन और यही है असल अध्यात्म कि इसको शहर शहर स्वीकार करना और चलते चले जाना और अपना पुरुषार्थ करना तो तो अध्यात्म बहुत दूर की कौड़ी रहेगा हाँ ये आपने बात कही है ये बात सच है मैं भी वीडियो देखता हूँ कि ऊर्जा दर्शन है और लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं और संन्यास का इतना वो हो गया है असल संन्यास की मूल भावना खो गई है शायद के संन्यास वीडियोस इतने सिंपल होते हैं जब वो दीक्षा देते हैं किसी ने देखे हों नाम लिखते थे और नाम का अर्थ बताते थे बस ऊर्जा दर्शन के लिए अलग से वक्त रखा जाता था वो एक अलग फिनोमिना था उसमें माहौल तैयार होता था माहौल का ही तो सारा असर है तो वो लेकिन वो महागुरु थे वो बड़ी थी वो किसी को क्यों छूते थे कहाँ छूते थे क्या सोचते थे क्या उनको दिखता था इसकी कॉपी थोड़ी कोई कर सकता है तो लेकिन कॉपी कर रहे हैं लोग छोटे लोग हैं जो और कुछ जो नहीं अपने भीतर जगाते या जो और कुछ में जिनके भीतर अपनी श्रद्धा नहीं है जिनको अपना स्वाद ही नहीं मिला है अपने होने का मजा ही नहीं ले रहे हैं जो वो इस तरह के काम ज़रूर करने लगते हैं जिससे उनको लगता है कि शायद इससे लोग हमें कुछ विशेष और बड़ा समझेंगे वो खुद खाली महसूस करते हैं तो वो इस तरह के काम करते हैं कि ऊर्जा देंगे संन्यास देंगे और साथ में नए नए लोग हैं वो चीखना चिल्लाना वो अपने को इस तरह से विशेष समझते हैं कि हमारे ऊपर ऊर्जा का ज़्यादा आह्वान हो रहा है और हम ज़्यादा गहरे हैं क्योंकि हम इतनी तेज़ी से चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं रो रहे हैं और वो चीखना चिल्लाना कैथेरसिस के तल पे चला जाता है जो बिल्कुल कैथेरसिस जैसा होने लगता है कोई भावनात्मक फ्लो उसमें नज़र नहीं आता है कोई प्रेम का फ्लो नज़र नहीं आता है जब कोई प्रेम में रोता है जब कोई श्रद्धा में रोता है वो अलग उसका एहसास हो जाता है किसी को भी हो जाता है सभी को हो जाता है ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं सभी को मालूम है तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करें तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद